चंबा के सुराणा वार्ड में गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। क्षेत्र में कूड़े का डंपर माह में एक बार ही सफाई कर्मचारियों द्वारा खाली किया जाता है। गंदगी और बदबू से यहां बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि सप्ताह में दो बार इस कूड़े को उठाया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन और कोरोना वायरस के मद्देनजर सफाई का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहीं चंबा के मोहल्ला सुराड़ा वार्ड में कूड़े के डंपर को माह में सिर्फ एक बार ही साफ किया जाता है। वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड में कूड़े के लिए रखे गए इस डंपर को एक से डेढ़ महीने के बाद साफ किया जाता है, जिसकी वजह से गंदगी का आलम रहता है, वहीं दुर्गंध भी फैलती रहती है। वार्ड के लोगों का कहना है कि प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और बीमारियां भी ना फैले। हमारे यहाँ सुराड़ा में ये डंपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये महीने में या डेढ़ महीने में एक बार उठाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर बहुत गंदगी का आलम रहता है। लोगों का यहाँ चलना दुभर हो गया है। ऊपर नीचे रहने वाले लोग इसकी गंदगी के कारण अस्वस्थ महसूस करते हैं। हम प्रशासन से भी कई बार मिल चुके हैं इस विषय पर कि इस गंदगी को जल्द उठाया जाए। लगभग हफ्ते में एक या दो बार इसको उठाया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। और यहाँ पर पिछले वर्ष भी दो बार आग लगी और मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया, दो कारें जलने से बचाई हैं। हर बार ये डंपर भरा रहता है और लोग यहाँ आग लगा देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और गाड़ियों का नुकसान भी हो सकता है। ये महीने में एक या दो बार ही इसको साफ़ किया जाता है और पूरे सड़क में गंदगी फैली रहती है, जिसके कारण बहुत लोगों को चलना बहुत ही मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा बदबू रहती है पूरे सड़क में और हम गुहार लगाते हैं कमेटी वालों से कि वो इसे हफ्ते में दो बार तो कम से कम साफ़ करवाएं, ताकि यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं रहे कूड़े से रिलेटेड। और यहाँ पे कई बार लोग आग जला देते हैं इसमें कूड़े में, और जिससे कि कई गाड़ियाँ भी जलने के कगार पे थी। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।